135 रुपये एकदम जल्दी का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 160 180 मीडियम से लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए। ये स्टॉक आराम से यहां से दुगुना होने की ताकत रखा है, डीप वैल्यू है, इसे खरीदना चाहिए। अनिल जी इंटरेस्टिंग चीज वरुण कह रहे हैं अनलॉक का फायदा मीडिया कंपनीज को होगा तो हमारे लिए भी अच्छी खबर है, बट एचटी मीडिया ये काउंटर क्यों पसंद आ रहा है सर आपको? दीप मुझे लगता है सीजन टू की शुरुआत करने के लिए इससे बढ़िया स्टॉक मिल ही नहीं सकता था। मतलब कई बार ऐसा रहता है ना, वो आप कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो आप सेल में जाते हैं, सेल में जाने के बाद भी और डिस्काउंट मांगते हैं, और डिस्काउंट देते तो वो जैन साहब की तरह वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी के मतलब कोई मतलब परेशान होकर बोलते कि आप ऐसे ही मुफ्त में ही ले जाओ, इतना डिस्काउंट मांग रहे हो, तो जैन साहब बोल भी देते हैं कि एक नहीं मुफ्त में दोगे तो दो दूंगा। ये उस तरह का स्टॉक है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। पहली चीज तो ये कि बहुत ही मजबूत ब्रांड है और प्रमोटर्स बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है, उसके साथ साथ ये भरतिया फैमिली का एकमात्र स्टॉक है जो एक्शन में नहीं आया है, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स इतनी तेजी दिखा चुके हैं। और मजबूत प्रमोटर्स मजबूत ब्रांड, इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स मिंट जैसे प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो में है। प्रमोटर्स की ऑलरेडी स्टेक 75% है और एफआईएस की स्टेक लगभग 14% है। हालांकि पिछले हफ्ते एक जो बड़ी ब्लॉक डील हुई है उसके बाद देखना होगा रिवाइज किस तरह से आते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी आप देखिए लगभग 79% तो 89% तो बड़े निवेशकों के पास हो गई, बाहर बचे हैं सिर्फ 11% स्टॉक फ्लोटिंग के तौर पर। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो मुझे नजर आती है, बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है, मुश्किल से 585 करोड़ की आपके यहां पर ये मार्केट कैप है, और उसके सामने आप देखेंगे तो जबरदस्त 1100 करोड़ रुपए के आसपास का कैश और इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड वगैरह में, यानी कि जितनी मार्केट प्राइस है उससे दुगुना आपका इन्वेस्टमेंट है। अब इसको कहते हैं सेल में खरीदना। जब मतलब आप ये सोचो कि दीप मैं आपको पूछूंगा आपकी जेब में 500 रुपए हैं और मैं आपको ये बोलूं कि दीप आपकी वैल्यू क्या लगानी चाहिए, तो अगर आप ये बोलोगे 500 रुपए तो मेरी जेब में वो तो वैल्यू है ही है, इसके अलावा मेरी जो आपको लगानी है लगा लीजिए 500 के ऊपर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आपकी वैल्यू 200 रुपए है तो आपको क्या लगेगा, बोले अरे 500 की तो नोट ही पड़ी है। एग्जैक्टली वो हाल हिंदुस्तान मीडिया वेंचर के साथ में, 1100 करोड़ रुपए कैश है और 585 करोड़ इसका मार्केट कैप है, मार्केट कैप से दुगुना लगभग कैश और इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ आपके जो दो अखबार, ठीक है तीनों अखबार प्लस रेडियो बिजनेस, ये एक तरह से मुफ्त में आ रहा है, तो मार्केट कैप से डबल इन्वेस्टमेंट और तीन अखबार और रेडियो बिजनेस मुफ्त में, इससे ज्यादा वैल्यू आपको मिल नहीं सकती। ये जबरदस्त है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है, 8-9 के पी मल्टीपल पर मुफ्त के भाव में मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1/3 है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। और दूसरी एक और बड़ी बात जो है दीप वो ये है कि इस स्टॉक के इतने सस्ते होने की वजह यह थी कि दो बड़े इन्वेस्टर्स काफी समय से स्टॉक में बेचने का शायद सोच रहे होंगे। पिछले हफ्ते एक बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसमें दो बड़े इन्वेस्टर्स ने लगभग 10% अपनी हिस्सेदारी बेच दी, तो वो बिकवाली होने के बाद सेलिंग खत्म हो चुकी है। अब सेलिंग खत्म होने के बाद स्टॉक यहां से तेज दौड़ लगा सकता है। 6% कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल के पास था और शायद 5-6% के आसपास, कुछ 4% के आसपास लेवेंडर करके एक फंड है उनके पास था, उन्होंने बिकवाली की है 80 रुपए के आसपास, लगभग इन्हीं दामों पर 81 रुपए पर बिकवाली की। तो ऐसा भी नहीं कि आप उनकी बिकवाली से बहुत ऊपर खरीद रहे हैं, तो मेरा यह समझना है कि इससे पहले स्टॉक भाग जाए ये एक अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट का मौका दे सकता है। 135 रुपए एकदम जल्दी का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 160-180 मीडियम से लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए। ये स्टॉक आराम से यहां से दुगुना होने की ताकत रखता है, डीप वैल्यू है, इसे खरीदना चाहिए।